हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी रसमलाई की, जो कि ब्रेड और मावा से बनेगी। बहुत इजी है बनाना, क्विक एंड इजी रेसिपी है। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है तो इस मौके पर आप इस इजी वाली रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा एक बार, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी ब्रेड मावा रसमलाई की। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले दूध तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 कप दूध लिया, फ्लेम को यहाँ पे हाई रखेंगे और 2 कप दूध ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यूस चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाना है, हमको उबाल आने देना है। तो करीब करीब 1 से 2 मिनट लग जाते हैं इसको उबाल आने में। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध ऐड किया, तो यहाँ पर आप दूध अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करीब करीब 4 से 5 रसमलाई मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2 कप दूध ऐड किया और इस तरह से लगातार चलाते हुए 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उबाल आ गई दूध में बहुत अच्छी तरह से और अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो इसमें अब क्या करेंगे, मिठास के लिए यहाँ पे आप या तो चीनी डाल सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप शुगर पाउडर का, मतलब उसको पाउडर किया हुआ चीनी का, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क का यूज कर रही हूँ, कंडेंस्ड मिल्क जो अमूल का आता है उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी मिठास आ जाती है। बट अगर आपके पास ये नहीं है या फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे चीनी या कंडेंस्ड मिल्क इसमें डाल लें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ येलो फूड कलर मैंने इसमें डाला ताकि ये जो दूध बनेगा रसमलाई के लिए ये बहुत अच्छा लुक आए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर थोड़ा सा इसमें ऐड किया। इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से मिला लेना है हमें दूध को, लगातार चलाते हुए फ्लेम को हाई रखें क्योंकि दूध को थोड़ा देर पकाना है और दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है। थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें। तो इस तरह से जो दूध की मलाई साइड में जम रही है उसको स्क्रैच करते हुए दूध में भी मिलाते जाएंगे, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सारी मलाई दूध में आ जाएगी। इसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे, तो ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटे हुए आलमंड और थोड़े से पम्पकिन सीड्स थे मेरे पास तो उसको मैंने ऐड किया। ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद इसमें फिर से ही चलाते रहेंगे और कुछ देर के लिए इस दूध को और पकाएंगे, करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए, और साइड से ये दूध जो जम रहा है इसको स्क्रैच करके दूध में मिलाते जाएंगे। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध हल्का सा, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो गया, क्वांटिटी इसकी कम हो गई, फिर मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसको साइड में रखा ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, मावा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मावा लिया है, एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच से इसमें इलायची पाउडर टेस्ट के लिए। तो अगर आपको ये टेस्ट नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो 1/2 छोटी चम्मच से मैंने इसमें ऐड किया इलायची पाउडर। 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे शुगर पाउडर, यानी कि चीनी को पीस लेंगे, चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मावा में थोड़ा सा फिर से हम लोग फूड कलर ऐड करेंगे, ये येलो फूड कलर है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, जस्ट फॉर कलर के लिए हम लोग डालते हैं। तो हल्का सा कलरफुल रहे इसके लिए मैंने पिंच ऑफ यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड किया। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है मावा को, चूँकि ब्रेड में इसकी स्टफिंग करनी है तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करेंगे, इससे मावा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ये रसमलाई का। तो आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया और ये मावा थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया। तो इस तरह से हमें मिक्स करके और अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना ले हैं, चूँकि हमको ब्रेड में स्टफ़ करना है तो बॉल्स बना के स्टफ़ करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा और आसानी से वो स्टफ़ हो जाएगा और शेप में आ जाएगा। तो पहले हम लोग इस मावे को गोल शेप दे देंगे बॉल्स। तो एक मेरा बन गया, इस तरह से मैंने 5 बना लिए, मैं यहाँ पे 5 बना रही हूँ रसमलाई। तो इस तरह से बना के अब इसको भी साइड में रखेंगे। यहाँ पे वाइट ब्रेड लेंगे, ब्रेड स्लाइसेज मैंने लिए हैं 5, तो जितने बॉल्स बनेंगे उतने
स्लाइसेज लेंगे ब्रेड के, और ब्रेड के ये किनारे जो ब्राउन पार्ट है इसको कट करके निकाल देंगे। इस तरह से कैंची से काट लें या फिर चाकू से काट लें, आपको जैसे आसानी आसान लगे वैसे काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें ब्रेड स्लाइसेस के कट लगा लेने हैं, और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है आप तो आप इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। कढ़ाई में जस्ट इसको रोस्ट कर लें और उसको ग्राइंडिंग जार में पीस लें तो वो ब्रेड क्रम्स बन जाता है। तो इसको फेंके नहीं, साइड में रखें। तो इस तरह से मैंने ब्रेड को भी कट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बोल में दूध ऐड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर का दूध है और ये नॉर्मल दूध है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, वही दूध है। एक कप दूध मैंने ऐड किया मिक्सिंग बोल में। अब एक एक स्लाइसेज को, ब्रेड स्लाइसेज को लेकर इसमें डुबोएंगे दूध में, और हल्का सा हाथों से प्रेस करते हुए इसको स्क्वीज कर लेंगे। इसमें जो एब्जॉर्ब हुआ है दूध उसको हल्का सा निकाल देंगे, और उसके बाद स्क्वीज करने के बाद इस ब्रेड के सेंटर में ये जो हमने मावा के बॉल्स बनाए थे इसको फिल कर देंगे, और फिर ब्रेड से चारों तरफ से इसको सील कर देंगे। सील करने के बाद हल्का सा स्क्वीज करते हुए इसका एक गोल शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सील हो गया और गोल शेप में भी बन गया। तो हमें इस तरह से बना लेना है ब्रेड और मावा का बॉल्स। तो एक हमारा तैयार हो गया, और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें सारे के सारे बना लेने हैं। मैंने दूसरा भी स्लाइस दूध में डुबोया पहले, और फिर से हथेलियों पर रख के इसको हल्का सा स्क्वीज करेंगे, फिर मावा बॉल्स को लेके इसके सेंटर में रखेंगे ब्रेड के स्लाइस के, और फिर चारों तरफ से सील करेंगे और हल्का सा इसको निचोड़ते हुए गोल शेप दे देंगे। इस तरह से जैसा आप देख सकते हैं बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से हमें ब्रेड और मावा के बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा तैयार हो गया, अब इसको सर्व कर लेंगे। तो सर्व के लिए आप इस बॉल को दूध में डिबो के कभी नहीं रखें, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और टूट जाता है। तो आप इसको इमीडिएट जब भी खाना होगा, सर्व करना होगा, तो पहले प्लेट में इस बॉल्स को रखें, और फिर इसके ऊपर से ये जो हमने दूध तैयार किए थे इसको डालेंगे। आप पहले से ही ये बॉल्स अलग बना के रख सकते हैं, दूध को अलग बना के रख सकते हैं, और सर्व करते समय खाने के कुछ देर पहले आप इसको दोनों को इस तरह से प्लेट में सर्व करके फिर इमीडिएट खाएं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और दूध में डुबो के इसको नहीं रखें, नहीं तो सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और टूट जाता है। सो आई होप कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।